नमस्कार, श्रद्धा कपूर एंड राजकुमार राव की फिल्म स्त्री 2 फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म फिलहाल कलेक्शंस करने के मामले में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शंस कर रही है। फिल्म ने जहां अपने पहले दिन इंक्लूडिंग पैड प्रीव्यूज को मिलाकर के 64.30 करोड़ की नेट ओपनिंग कर साल 2024 की अभी तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेकर के बंपर शुरुआत की, तो वही फिल्म ने अपने दूसरे दिन 30 करोड़ की कमाई कर शानदार कलेक्शंस किया है। फिल्म स्त्री 2 के आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 3 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे फिल्म के डे 3 कलेक्शंस की, तो फिल्म स्त्री 2 फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही। फिल्म का डे 3 के अंदर सुनामी जारी है। बात करेंगे फिल्म के डे 3 कलेक्शंस की, तो फिल्म स्त्री 2 ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 3 के अंदर इंडिया के बॉक्स ऑफिस से करीब 45 करोड़ की नेट कमाई कर शुरुआती 3 दिनों तक भारत के बॉक्स ऑफिस से 139.80 करोड़ की टोटल नेट कमाई कर चुकी है। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड से 200 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म स्त्री 2 को ओवरऑल 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर फिल्म को इंडिया में 3000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म को लेकर के ऑडियंस में जबरदस्त का क्रेज बना हुआ है। फिल्म स्त्री 2 में कई कलाकार कैमियो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में फिल्म स्त्री 2 को जरूर देखें। चलिए दोस्तों बात करते हैं तमिल लैंग्वेज की साल 2024 की जान विक्रम स्टार फिल्म तांगलांग के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 3 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म तांगलांग के कलेक्शंस की, तो फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज हुए 3 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। फिल्म सिनेमाघरों में शानदार कमाई कर रही है। बात करेंगे फिल्म के कलेक्शंस की, तो फिल्म तांगलांग ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 26.15 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर साल 2024 की तमिल की अभी तक की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने में कामयाब रही। तो वहीं फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 2 के अंदर वर्ल्ड वाइड 10 करोड़ की कमाई की। तो वहीं फिल्म के आज डे 3 कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म तांगलांग ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 3 के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 14 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर रही है। इसी के साथ फिल्म तांगलांग का शुरुआती 3 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 50.15 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म का तमिलनाडु के स्टेट से 24 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 140 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोष को मिलाकर। फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शंस कर रही फिल्म तांगलांग। दोस्तों आपने अभी तक देखी या ना देखी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं मास महाराजा रवि तेजा की तेलुगु लैंग्वेज की साल 2024 की एक्शन थ्रिलर फिल्म मिस्टर बच्चन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 3 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म मिस्टर बच्चन के कलेक्शंस की, तो रवि तेजा एंड भाग्यश्री बोर्ड से स्टार फिल्म मिस्टर बच्चन ने जहां अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 8 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शुरुआत की, तो वहीं फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 2 के अंदर 4 करोड़ की ग्रॉस कमाई करने में कामयाब रही। बात करेंगे फिल्म के डे 3 कलेक्शंस की, तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 3 के अंदर 6 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शुरुआती 3 डेज तक 18 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉक्स ऑफिस से 12 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म मिस्टर बच्चन के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 50 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोष को मिलाकर। दोस्तों बता दूं कि फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों से क्लैश हो रही। दोस्तों बता दूं कि मिस्टर बच्चन अजय देवगन की फिल्म रेड की तेलुगु रीमेक है। फिल्म मिस्टर बच्चन आपने देखी या ना देखी, राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं राम पोथिनेनी एंड संजय दत्त स्टारर पैन इंडिया रिलीज फिल्म डबल स्मार्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 3 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म के कलेक्शंस की, तो फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुए 3 डेज कंप्लीट कर चुकी है। फिल्म ने जहां अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड से 11 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शुरुआत की, तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 2 के अंदर 5 करोड़ की कमाई की। बात करें फिल्म के डे 3 कलेक्शंस की, तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 3 के अंदर वर्ल्ड वाइड 8 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शुरुआती 3 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 24 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर चुकी है। जहां फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना के बॉक्स ऑफिस से 16 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। फिल्म डबल स्मार्ट के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 90 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। फिल्म की बात की जाए तो फिल्म को फिलहाल अडल्ट सर्टिफिकेट के साथ सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फिल्म में राम पोथिनेनी शानदार एनर्जेटिक अवतार में नजर आ रहे हैं, तो वही फिल्म में संजय दत्त विलेन के किरदार में नजर आए हैं। फिल्म डबल स्मार्ट दोस्तों आपने अभी तक देखी या ना देखी, अपनी राय कमेंट में
जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं साल 2024 की तमिल लैंग्वेज की हॉरर थ्रिलर फिल्म डीमोंड कॉलोनी 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म के कलेक्शंस की, तो फिल्म ने जहां अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड से 8 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शुरुआत की, तो वहीं फिल्म के आज डे 3 कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 3 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 5 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शुरुआती 3 डेज तक वर्ल्ड वाइड से 15 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। दोस्तों बता रहे की फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शंस कर रही। फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिला है। फिल्म एक हॉरर जोनर की फिल्म है। फिल्म के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाते हुए ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म डीमोंड कॉलोनी 2 दोस्तों आपने अभी तक देखी या ना देखी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अक्षय कुमार स्टारर फिल्म खेल खेल में के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म के डे 3 कलेक्शन की, तो फिल्म के रिलीज हुए 3 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। बात करें फिल्म के डे 3 कलेक्शन की, तो फिल्म ने जहां अपने पहले दिन भारत के बॉक्स ऑफिस से 5.75 करोड़ की नेट ओपनिंग कर शुरुआत की, तो वहीं फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर कलेक्शन करने के मामले में गिरावट देखने को मिली और फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर करीब 2 करोड़ की कमाई की। बात करें फिल्म के डे 3 कलेक्शन की, तो फिल्म खेल खेल मैंने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के अंदर करीब 3 करोड़ की नेट कमाई कर रही है। इसी के साथ फिल्म खेल खेल में का डे 3 तक टोटल इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 10 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है। दोस्तों फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म खेल खेल में को ओवरऑल 100 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर रही। फिल्म अक्षय के करियर की एक और फ्लॉप फिल्म साबित हुई। फिल्म खेल खेल में दोस्तों आपने देखी या ना देखी, फिल्म को लेकर क्या रहा है कॉमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं जॉन अब्राहम एंड सर्वरी की फिल्म वेदा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म वेदा के कलेक्शन की, तो फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज हुए 3 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। फिल्म ने जहां अपने पहले दिन भारत के बॉक्स ऑफिस से 6.75 करोड़ की नेट ओपनिंग कर शुरुआत की, तो वहीं फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर 1.75 करोड़ की नेट कमाई की। बात करें फिल्म के डे 3 कलेक्शन की, तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के अंदर 2.50 करोड़ की नेट कमाई कर शुरुआती 3 डेज तक 10 करोड़ की कमाई कर चुकी है। फिल्म वेदा के बजट की बात करें तो फिल्म को 60 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। फिल्म की बात की जाए तो फिल्म में जबरदस्त हाई ऑक्टेन सीन देखने को मिल रहे हैं। फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्मों से क्लैश है, जिसके चलते फिल्म फिलहाल कलेक्शन करने के मामले में थोड़ी नीचे आ रही है। फिल्म वेदा में जॉन अब्राहम काफी एक्शन अवतार में नजर आए हैं। फिल्म दोस्तों आप सभी को देखने में अच्छा लगेगा। फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में पॉजिटिव रिव्यू मिला है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया तो वीकेंड डेज में फिल्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेखा जोखा हाल फिल्म के कलेक्शंस का। ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉक्स ऑफिस के लेटेस्ट न्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे इस एंटरटेनमेंट न्यूज कलेक्शंस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।